ना भाला लगे ना भूत, हम सब हनुमान के दूत। जय बजरंगबली शरद भैया। इतनी बुरी तरह से हारेंगे ना वो लोग कि अगले 10 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आई मीन ये वो लोग कौन है? हम लोग मतलब हमारे लोग, और वो लोग मतलब दूसरे धर्म वाले। हमारे पार्टी का राइवल पार्टी से झगड़ा होगा। शरद के पार्टी के लोगों ने हमारे गोडाउन में घुस के आग लगा दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कहते यहाँ नहीं आने को। उन्हें प्लीज रोक लो, उन्हें आता मेरा भाई है। ए बाबरी, ये आशिकी, ये आशिकी, ये खौफसी। जी, हमारा नाम अभी राम है, और ये जो लड़की बैठी है ना, वो हमारा लखनऊ छोड़ के जा रही है। प्लीज उसे यही रोक लीजिए, उसके सिवा हमारा और कोई दोस्त नहीं। बता क्या मांग रहे थे मेरे अल्लाह से? कुछ नहीं। जूते तुम्हारे ना लाल होते जा रहे, और वैसे भी मेरे अल्लाह सिर्फ मेरी बात सुनते हैं। तुम टॉय में भी मेरा तरह करती हो, और गॉड में भी मेरा तरह करती हो। सारे गॉड एक ही होते, खाली उनके नेम्स अलग अलग होते। शट अप, बता क्या था तुमने अल्लाह से? चोर ने मांगी माफी, चोर को दे दो टॉफी। हम अल्लाह जी से कह रहे थे कि तुम्हारी जो हैदराबाद जाने वाली ट्रेन है ना, उसका टायर पंचर हो जाए और तुम यही रुक जाओ। क्या तुम अपने अब्बू से नहीं कह सकती कि तुम्हें हमारे पास छोड़ दे? तुम अपनी मम्मी से नहीं कह सकते, वो तुम्हें हमारे साथ भेजते। सब्जी लेने गया था, कहाँ रह गया? हमें जाना होगा। थोड़ी देर और रुक जाओ ना। अभिराम, हमें जाना होगा, नहीं तो मम्मी चिल्लाएगी। हमारे जाने के बाद गंदे बच्चों से मत खेलना, और बात बात में डरना मत। तुम भी अपना टॉय संभाल के रखना, जब मिलेंगे तब साथ में खेलेंगे। आशा, तुम पागल हो क्या? यहाँ भाग के क्यों आ गई? हम तुम्हें स्टेशन से ढूंढते हुए आ रहे हैं। पता है हमारे 70 रुपए लग गए यहाँ पे आने के, और तुम यहाँ भाग के आ गई। भाईजान, और कहाँ? घर यही तो है भाईजान, और कहाँ जाएंगे? यही तो हमारा घर है, यही मोहल्ला हमारा शहर है। हमें मोहल्ला छोड़े 12 साल हो गए, अब कौन सा घर? भाईजान, मोहल्ला छोड़ा है पर पले बड़े तो यहीं पर है ना, तो मोहल्ला तो हमारा ही हुआ ना। तुम नहीं समझोगी। अरे समझे भी क्यों, हमारा थोड़ी ना काम है समझने का। खैर देखो, हमें कॉलेज जाना है और हमें देरी हो रही है, तुम एक काम करो, यहीं रुको, हम रिक्शा लेके आते हैं,
ठीक है? अरे बोलो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक। हेलो सीमा, क्या हुआ? कुछ पता चला उसका? मुझे जल्दी बता। कोई फायदा नहीं है आयशा, कुछ पता नहीं चला। उसकी फैमिली है ना, 5 साल पहले शिफ्ट हो गई है। कहाँ गए कुछ नहीं पता। मुझे पता था ऐसा ही होगा, और मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। हम 12 साल पहले मिले थे और इन 12 सालों में मैं कितना बदल गई हूँ, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो वैसे का वैसा ही होगा। सो डम, मैं सीधा स्टेशन से आ गई उसे ढूंढते हुए। अब मुझे लगता है मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी। आहा, 12 साल की चिंगारी आग बन गई है। चुप रह तू। चल अब, मैं तेरी टांग खींच रही थी। सब पता चल गया है। What? जल्दी से बता कहाँ है वो। प्लीज जल्दी जल्दी बता, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। जय बजरंगबली। शुक्रिया। जी धन्यवाद। बस थैंक यू। तुम्हें पता है अगर तुम ऑटो रिक्शा पकड़ते और बस में सो जाती तो 100 रुपए लगते। परिवर्तन चौक पे कुल्फी मिलती है, एक कुल्फी तो खिला दो यार। कुल्फी? हाँ, अरे बस विदाउट फलूदा, 20 रुपए की है, प्लीज। जी जी, वो बात पैसे की नहीं है। तो कुल्फी के नाम पे इतने ठंडे क्यों पड़ गए? ओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहती है उस एरिया में? हाँ, यू डोंट वांट टू बी स्पॉटेड विद अनदर गर्ल? हाँ बोलो बोलो। वैसे लगते तो तुम बिल्कुल डरपोक टाइप के हो। बताओ बताओ, शर्माओ नहीं, बताओ ना, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? आप लखनऊ के स्टैंडर्ड से कुछ ज्यादा बहादुर नहीं है? मिनिस्टर मिनिस्टर की बेटी है क्या? हाँ हूँ, जेल में डलवा दूंगी। तो बताओ कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं तुम्हारी, वरना? हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन आप? अगली बार से अगर तुमने मुझे आप बोला ना, तो मैं शोर मचा दूंगी कि तुम मुझे छेड़ रहे थे। तो बताओ, बोलो। वैसे ना मुझे इतना बोलना पसंद नहीं है, लेकिन तुमने मुझे इतना बुलवाया तो मुझे डबल भूख लग रही है। प्लीज कुल्फी खिला दो, आगे ही है। लेकिन आप सॉरी, तुम हमारा नाम भी नहीं जानती? नहीं जानती तो क्या हुआ? अब तुम कुल्फी की बात पे अवॉइड मत करो। हाँ सुनो, तुम ये सब बातें मत करो, मुझे अपना नाम बताओ पहले। बोलो क्या नाम है तुम्हारा? अभिराम, अभिराम मिश्रा, सब राम भी बुलाते हैं। वो तो लगा ही था मुझे देखकर। नहीं आई मीन तुम्हारी पर्सनालिटी पे काफी सूट करता है राम। मैं भी तुम्हें राम बुलाऊं? जी। और आपका नाम? नहीं जानते। हम कैसे जानेंगे, हम तो अभी मिले ना। क्या है आपका नाम? ना भाला लगे ना भूत, हम सब हनुमान के दूत। जय बजरंगबली शरद भैया। जी भैया, नए पोस्टर्स के ऑर्डर्स दे दिए हैं, कल ही यूनिवर्सिटी की दीवारें रंग देंगे। जी बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीतेंगे भैया। उन्होंने दूसरे धर्म के कैंडिडेट को खड़ा करके अपने हार की बीन बजा दी। इतनी बुरी तरह से हारेंगे ना वो लोग कि अगले 10 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे।
जी भैया हम पहुंचते हैं। जय बजरंगबली। किससे बात कर रहे थे? शरद भैया, वो भी मिश्रा हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी नेता नगरी के हनुमान हैं तो वो हमारे राम हैं, हमारे पार्टी इंचार्ज। धर्म के काम में काफी सालों से लगे हुए हैं, आज तक शादी तक नहीं की उन्होंने। ये हम लोग, ये वो लोग कौन हैं? हम लोग मतलब हमारे लोग, हमारे भाई, और वो लोग मतलब दूसरे धर्म वाले। ओ हेलो, क्या हुआ? तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मेरा बस स्टॉप आ गया। मन तो करा था दो थप्पड़ मुंह पे खींच के लगाऊं उसके, पता नहीं सीमा वो वाला राम नहीं है। हट बे ना, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स का भूत सवार हो गया उसके सर पर, मुझे नहीं पता। नहीं यार, मैंने उसे नहीं बताया कि मैं आयशा हूँ, लेकिन उसे तो समझ जाना चाहिए था ना। मुझे उसे बताना भी नहीं क्योंकि मुझे डर लगता है अब कि मुझे भी वो लोग में टैग कर देगा। तू ये सब छोड़, मुझे ये बता ये शरद मिश्रा कौन है? अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ। ये शरद मिश्रा के बारे में कहाँ से सुना तुमने? भाईजान वो मैंने पोस्टर्स पे उसका नाम देखा था। हमारी यूनिवर्सिटी की सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स का एक टुच्चा है शरद मिश्रा। आए दिन कभी कास्ट के नाम पर तो कभी रिलीजन के नाम पर दंगे करवाता है, और अब तो उसके फॉलोअर्स की गिनती भी बढ़ती जा रही है। उसने हमारे कॉलेज में हथियार भी छुपा के रखे हैं, एंड यू नो व्हाट, उसको रस्टिकेट कराना ही हमारी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो का प्रॉमिस है। ये देखो आगे टुच्चे, तुम ध्यान रखना, ये शरद मिश्रा और इनके टुच्चों से दूर रहना। ए क्या हो रहा है? हां क्या हो रहा है? जय बजरंगबली, हमें लगा हमने बस मिस कर दिया आज। वो क्या है ना, बस को थोड़ी सी जल्दी थी तो मेरी आंखों के सामने से निकल गई। यानी कि तुमने भी बस मिस कर दी? मुझे लगा आज तुम होगे मेरा हाथ पकड़ के खींचने के लिए बस में, लेकिन तुम तो पूरे यूजलेस के यूजलेस। चलो अब वॉक करते हैं, पता नहीं अगली बस कब आएगी। कल तुमने हमें अपना नाम नहीं बताया। चलो एक गेम खेलते हैं, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो और मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मेरा नाम गेस करो। व्हाट्स इट? यानी हमें तुम्हारा नाम जानने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, हमें अपना नाम बता दो, हम बताएंगे कि ये नाम तुम पर सूट करता है या चेंज करना पड़ेगा। शट अप, तुम्हारी ओपिनियन के हिसाब से मैं अपना नाम नहीं चेंज करने वाली हूँ। और ये जो तुम्हारी जो स्मार्टनेस है ना, तुम इस गेम में दिखाओ वरना। ओके ओके सॉरी सॉरी, जब वरना बोलती है तो काफी अग्रेसिव साउंड करते हो। कहीं कोई बंदूक बंदूक तो नहीं रखते ना तुम अपने पास? हम तुम्हारा नाम भी नहीं जानते। अम्मा यार तुम डरते बहुत हो एक तो, पर तुम्हारे साथ ना कोई पुराना कनेक्शन लगता है। तुम्हारे साथ रहकर कोई पुराना सुर तो बचता है, लेकिन समझ नहीं आता कि तार कहां छिड़ा है। तुम ना एक्साइटमेंट में बड़ी खुश लगती हो, ऐसी सैड रहती हो तो। पिट्ठू, पहले कभी खेला भी है? बड़ा बेरहम गेम है, हार जाओगी और चोट भी लग जाएगी। हारने के बाद चरम तुम्हें आएगी। उसे बॉल मार के तोड़ देते, कुछ लोग उसे छोड़ देते। ये लो। हेलो हेलो हेलो, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, लो मार के दिखाओ। चैलेंज एक्सेप्टेड।
तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन लोगों को मिलाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सॉरी कहीं आपको, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चोट तो मुझे तभी लग गई थी जब तुम मेरे साथ बस में थे। मतलब कि अगर मैं तुम्हें कल बस में मिलती नहीं तो मुझे चोट कैसे लगती? हम एक बात कहें, कुछ पल के लिए हमें ऐसा लगा कि हम अपने बचपन में चले गए। तुमने उस मोहल्ले की याद दिला दी जहां हम पैदा हुए थे। पता है तुम बिल्कुल उसके जैसे। पता है क्या नाम सूट करेगा तुम पर? आयशा। अच्छा है ना? कुछ खास नहीं है। अब आयशा ही क्यों पर? बचपन में हमारी एक दोस्त थी, उसका नाम था आयशा। तुम बिल्कुल उसके जैसी हो। पता है वो जब बोलती तो हमें सिर्फ सुनने का मन करता था। वही डिसाइड करती हमें क्या पहनना है, कैसे रहना है, किन बच्चों के साथ खेलना है, सब कुछ। फिर वो मोहल्ला छोड़ के चली गई और हमें अपने डिसीजंस खुद लेने पड़े। अच्छा, तो वो आयशा तुम्हारी फ्रेंड थी या गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड। आज अगर हमारे सामने आती तो शायद हमारी दोस्त भी ना होती। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म अलग है और हमारे तौर तरीके भी। बचपन में पिट्ठू खेलते वक्त ये सब मैटर नहीं करता था, इसलिए शायद उन हरकतों का बचपना कहते थे। अभी जब समझदारी आई है तो फर्क देख पा रहे हैं। तुम्हें पता है बचपन में ऐसा क्यों नहीं होता था? क्योंकि प्लेग्राउंड में हम अपनी आइडेंटिटी लेकर नहीं आते थे। और ये क्या लॉजिक हुआ कि अगर आप इस रिलीजन के हो तो आप ये नहीं कर सकते, अगर आप उस रिलीजन के हो तो आप ऐसा बिहेव नहीं कर सकते? आई थिंक बचपन की नादानी है ना, इन सब चीजों से बहुत बेटर है। ये बहुत ही लंबी डिबेट है, लेकिन तुम ये सब के बारे में बात क्यों कर रही हो? ना भाला लगे ना भूत, हम सब हनुमान के दूत। जय बजरंगबली प्रतीक भैया जी। क्या? हम फौरन पहुंचते हैं। सुनो, हमारे पार्टी का राइवल पार्टी से झगड़ा हो गया, बेहतर होगा कि तुम घर चली जाओ, ठीक है? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं, तुम्हें सबसे दूर रहना। यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में गोलियां चलती है और दंगे होते हैं, ठीक है? शरद के पार्टी के लोगों ने हमारे गोडाउन में घुस के आग लगा दिया। पोस्टर विस्टर सारे जल गए हैं। किसने किए? ये प्रतीक को भागते हुए देखा था, शायद उसके साथ अभिराम भी था। आयशा तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? बोला था ना कॉलेज में नहीं आना। जाओ यहाँ से, हटो, जाओ। हमारे पार्टी का राइवल पार्टी से झगड़ा हो, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में गोलियां चल रही है, टंकी हो। राम की पार्टी की लड़ाई भाईजान से है। तुम उन लड़कों के पीछे जाओ, मैं गोडाउन देख के आता हूं। हमें ढूंढने जा रहा था बे। हाँ, हमें ढूंढने जा रहा था। भैया नहीं आता, इसे वार्निंग देके छोड़ देते। अबे जा, बड़ी मुश्किल से आज पकड़ा है, आज के लिए तो हथियार बचा के रखे थे। तू जा, शरद भैया को लेके आ। भैया लेकिन हम जानते हैं ऑपोजिशन पार्टी में से, और मारकाट से हमें इलेक्शन नहीं जीतना भैया, खून खराबा करने का कोई फायदा नहीं है। तुझे मास्टरी करनी है पॉलिटिक्स, नहीं तो भूल जा, निकल यहां से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था यहाँ नहीं आने को। देखो उस तरफ मत जाना, उनका सर फिरा हुआ है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मुझे प्लीज रोक लो, मुझे आता मेरा भाई है।
तुम्हारा यार है ना और भी डेंजरस है। तुम एक काम करो, यहाँ से जाओ, तुम्हारे भाई के पार्टी वाले उसे बचा लेंगे, तुम जाओ। चोर को पकड़ लो, चोर को पकड़ लो, रस्सी से जकड़ लो। चोर, चोर मांगे माफी, उसको दे दो। राम प्लीज मेरे भाई को बचा लो, वो लोग मार डालेंगे, प्लीज। हथियार छुपाओ, प्रिंसिपल से आगे भागो, सब लोग भागो 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 भागो, हथियार छुपाओ, हथियार छुपाओ, निकलो निकलो निकलो, जल्दी निकलो, सब लोग देखो, भागो जल्दी। तुमने बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं तुम्हारे पास रहना चाहती थी, तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, और मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बता दी तो तुम मुझसे कभी बात नहीं करते। इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई ताकि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजरा सकूं। तुम मुझे इस बात पे जज नहीं कर सकती आयशा, कड़वी है लेकिन यही सच्चाई है, हम अलग है, वी आर डिफरेंट। अगर एक होते तो ये लड़ाइयां नहीं होती यहाँ। ये दुनिया अलग है और इसे देखने का नजरिया भी, समझी? हमारी दुनिया वो मोहल्ला था जहाँ हम दोस्त थे, हमने वो दुनिया छोड़ी, उस दुनिया ने हमें नहीं छोड़ा है, और हम अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं जहाँ इस नजरिए को रिस्पेक्ट मिले। जहाँ रिस्पेक्ट होती है वही तो प्यार पनपता है ना। राम, राम दी सर्वी, यू लव मी राम। असल पहले तुमने लखनऊ छोड़ के हमें बहुत रुलाया था, बहुत। जब वापस आई हो तो बहुत दुख पहुंचा रही हो हमारे दिल को आयशा, बहुत दुख पहुंचा रही हो हमारे दिल को, समझे? जाओ आयशा जाओ। राम तुमने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? भैया सुबह की सबसे पहली बस कितने बजे की है? सुबह 4 बजे की। अच्छा, तो इतनी सुबह एक लड़की का जाना सेफ होगा? मैडम जी, खाकी देख के धोखा मत खाइए, हम कंडक्टर हैं, पुलिस वाले नहीं। संभालो खुद को, बैठो। तुम मुझसे प्यार करते हो ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, चाहे जितना मर्जी भागने की कोशिश कर लो, खुद को हमेशा मेरे आसपास मंडराते हुए देखो। Just to make sure that I'm all well. हमें पार्टी ऑफिस में काम था, हम इसलिए आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। इतने सालों में बहुत कुछ सीख गए हो तुम, लेकिन झूठ बोलना वो आज भी नहीं आता तुम्हें। भाला लगे ना भूत, हम सब हनुमान के दूत। बोलो बजरंगबली की जय। ओए प्रतीक,
तो क्या कह रहे थे तुम? कायर बुजदिल, अरे कुछ भी कहते रहते भैया। देखो कुछ सीख लो इससे, तुम सबसे पहले आकर पूरे कार्यालय को चमका देता है। लेकिन शरद भैया, कैसे हमारे पार्टी के उसूलों की कद्र है, समझ है? अरे सब समझ भाई, क्यों नहीं है समझ? देख लेना, हमारी पार्टी के लिए और हमारे कल्चर के लिए कुछ भी कर सकता है। राम, कोई मिलावट नहीं होने देगा इसमें। अरे राम, बताओ ना अपने प्रतीक भैया को, हम ठीक कह रहे हैं? जी भैया, हम आपके लिए और आपके पार्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये हुई ना मर्दों वाली बात। तो ओके ना, ये पकड़ो हथियार और अपनी मर्दानगी पर एक पक्की मोहर लगा दो, वसीम और उसकी बहन के खून से। लेकिन भैया, क्या आपको हमारे पार्टी के उसूलों पे विश्वास नहीं है? इसी मारपीट से तो पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स को चिढ़ है। ए, राजनीति करना मत सिखाओ हमें, फट रही है ना, खुद जाकर कांड करेंगे। और एक बात समझ लो, वसीम और उसकी बहन का खून तो बहेगा ही, भले ही वो तुम करो या कोई और। अगर वो हमला किसी और ने किया, तुम इस पार्टी कार्यालय के आसपास दिखाई नहीं मत देना। भाई आपको बजरंग बली का वास्ता, ऐसा मत कीजिए प्लीज। बस सब कुछ समझ चुके हैं, ठीक कहते थे ये लोग, तूने धोखा दिया मुझे, इन सबको। और किया भी तो किससे? किसी काम का नहीं है तू। मैंने अपना भाई समझ के तुझे एक मौका दिया अपने आप को प्रूफ करने का, क्या किया तू? जिंदगी भर ये टेबल साफ करेगा बस, तुझे आगे बढ़ना ही नहीं, कुछ नहीं करेगा। रोक लीजिए शरद भैया, अकेले गया तो मार खाएगा। ए, कौन है? हेलो, हेलो वसीम भाई, हम बोल रहे हैं आपके शुभ चिंतक। देखिए वो राम है ना, राम, अरे वही शरद का चमचा जी, वो आपकी बहन को किडनैप करने के लिए गया, कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत सलत कर दे, बचा सकते हो तो बचा लीजिए। सुना, अगर राम को वहां खरोच भी आई ना, तो हम इसका मुद्दा बनाकर पूरी यूनिवर्सिटी में दंगा करा देंगे। ऐशा, वसीम भाई कहाँ है? वसीम भाई तो किसी काम से बाहर गया, पर मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। I knew you loved me. ये सब छोड़ो, चल चलो मेरे साथ। तुम्हें कहाँ चलो? तुम चलो। और कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? क्या कर रहे हो तू यहाँ? क्या कर रहे हो? आगे से लगा रहा है। किडनैप करेगा? भाईजान रुकिए। कौन? भाईजान। सामने छोड़ो आशा। भाईजान रुकिए। सामने छोड़ो। पहले जो है कैसे? आशा। क्या कर रही हो तुम? हाँ? ये शरद के कहने पे तुझे किडनैप करने आया है। एक बार उसकी बात तो सुनिए भाईजान। क्या सुनना चाहती हो? ये किसने बताया आपको? मुझे एक कॉल आया था। सब समझ में आ गया। ये वसीम भाई। क्या क्या समझ में आ रहा है? ये शरद भैया का ही कांड है। उन्होंने हमें आपको मारने के लिए उकसाया था। जब हमने उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने आपको मारने की खुद धमकी दी। मैं तो यहाँ सिर्फ आप लोगों को वार्न करने आया था। आयशा को यहाँ अकेले देखा तो सोचा किसी सेफ जगह ले जाते। और कुछ नहीं वसीम भाई, और कुछ नहीं। शरद हमारे झगड़े को कम्युनल राइट्स का नाम देना चाहता है, जिससे उसे पॉलिटिकल माइलेज मिले। देख लिया तुमने, जिन लोगों पर इतना ट्रस्ट करते हो उनकी लाइफ में तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है? तुम मुझे बताओ, तुम्हें किस पे भरोसा है? उस सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस पर या हमारे मासूम बचपन पर? Thank you.
तुम कहाँ चली गई थी आयशा? देखो हम कैसे बन गए तुम्हारे बिना। तुम बिल्कुल वैसे के वैसे हो मेरे पुराने रंग। बस उस चरण ने तुम्हारी डेडिकेशन का नाजायज फायदा उठाया। पता है हमें हमें गर्व था कि हमने कभी सिगरेट और दारू नहीं पी उन लोगों के साथ कुछ नशा नहीं किया। लेकिन सबसे जहरीली नशे की आदत तो शरद ने कब से लगा दी हमें। धर्म को नशे की तरह इस्तेमाल किया उसने। भूल जाओ सब कुछ। उन लोगों से जितना दूर रहोगे सेफ रहोगे। लेकिन बात सिर्फ हमारी नहीं है आयशा। जब तक शरद आजाद है तुम्हारी और वसीम की जान को खतरा है। हम उनके पास जाना होगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम वहां नहीं जाओगे। जितनी अनसेफ हमारी लाइफ है उतनी अनसेफ तुम्हारी लाइफ भी है। अब तक तो शरद भैया को पता भी होगा कि यहाँ पे क्या कुछ हो चुका है। तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? क्योंकि हम तुम पर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं आयशा। आई लव यू। आई लव यू। कब से ये सुनने का इंतजार कर रही थी मैं। और आज जब कह रहे हो तो दूर जाने की बात कर रहे हो दोबारा। प्लीज डोंट डू दैट। सीने से तो एक बोझ हल्का हो गया लेकिन अब जिम्मेदारी निभाने की बारी। हम पे भरोसा करो आयशा। भरोसा करो हम पे। हम जल जाते हैं। भरोसा करो हम चल जाएंगे। हमें कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए अपने कॉलेज के अंदर। समझ में आया तुम्हारे? शरद भैया माफ कीजिए शरद भैया, हमें सब समझ में आ गया। शर्म आ रही है हमें कि इन लोगों के चक्कर में हम आपके खिलाफ चले गए। हम उन्हें बचाने गए थे और देखिए क्या हाल किया उन्होंने हमारा। माफ कर दीजिए भाई, माफ कीजिए। अगर आपने हमें एक मौका नहीं दिया तो हम जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। उस लड़की के पैर में हम अंधे हो गए थे भैया, भैया प्लीज माफ कीजिए। उठो उठो अभिराम, थोड़ा। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त। कम से कम तुम्हें यह तो समझ में आ गया कि हम क्यों तुम्हारे अपने हैं और वो लोग क्यों पराए। भैया एक और बात, जो हथियार हमने कब से छुपा के रखे उन्हें निकालने का वक्त आ गया। भैया भाला लगे ना भूत। क्यों बेटा, हथियार देख के तेरी फट गई? हमारी राजनीति बिना हथियारों के नहीं होती प्यारे। यहाँ पर शरद मिश्रा कौन है? ये आदमी गंदो अपनी गन दो अपनी। कांस्टेबल अरेस्ट करो इसे। हमको नहीं, बजरंग बली को धोखा दिया है तुमने। आज बजरंग बली हमसे बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि उनके नाम पर नफरत फैलाने वाले एक ठेकेदार को हमने ठिकाने लगा दिया। ले चलो इसे। हमारे लिए अपने वो है जो हमें प्यार दिखाए और पराया वो जो हमारे रगों में नफरत फैलाए। तुमने हमें धर्म के नाम पे बहकाया अपने फायदे के लिए। इंसान में इंसानियत होनी चाहिए शरद मिश्रा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सब सुनिए, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बुलेट से नहीं पैलेट से डिसाइड किया जाएगा। ले चलो इसे, इन सबको भी ले चलो। चले,
आज तुमने शरद मिश्रा को हथियारों के साथ पकड़वाया है। बहुत देर से उसे पार्टी से निकालने की कोशिश कर रहा था। ख्याल रखना अपना। शुक्रिया मनोहर भैया। अभिराम, हो तो तुम हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट, मगर तुमने कॉलेज का वो कचरा साफ किया है जो सबको बीमार कर रहा था। तुम कॉलेज प्रेसिडेंट बनना डिजर्व करते हो। जी नहीं वसीम भाई, प्रेसिडेंसी हमारी बस की बात नहीं है, हमें इसका एक्सपीरियंस नहीं। अरे मैं हूं ना, और वैसे भी एक्सपीरियंस तो आ ही जाएगा, और जो तुम्हारे पास है ना वो और किसी के पास बिल्कुल नहीं है। योर गोल्डन हार्ट। और हम है ना तुम्हारे साथ, क्यों भाइयों? सो मिस्टर प्रेसिडेंट, अब तो तुम्हें कुल्फी खिलानी ही पड़ेगी, वो भी विद फलूदा, क्योंकि वरना लोग कहेंगे लीडर बनते चोर हो गए। अच्छा तो ऐसी बात है, तो एक काम करो, चोर को पकड़ लो, रस्सी से जकड़ लो। चोर मांगे माफी, उसे खिला दो कुल्फी। बेशर्मियां बर्बादियां इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो, किसकी मजाल कोई रोक दे, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क जुनू रुके नहीं, ए बाबरी गुस्ताख सी, ये आशिकी बेबाक सी।